एक लड़की लड़की होकर के अकेले बाहर जाती थी। लोग तरह तरह के ताने देते थे। मुरली नाम की एक लड़की ने मेडल जीत करके दिया सबको जवाब और दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम की। जमुई गांव की बेटी की आज हर कोई तारीफ ही कर रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुतैन अहमद सैफी, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ही नई मोटिवेशन स्टोरी लेकर के आए कि बेटी अपना ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। आज भी हमारे देश की बेटियां बेटों की तरह अपने गांव, राज्य, देश का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन समाज में बेटियों को ताने ही सुनने को मिलते हैं। समाज में लोग क्या कह रहे हैं उसकी परवाह किए बगैर जमुई गांव की बेटी ने अपना सफर शुरू किया और मेडल जीतकर सबको जवाब भी दिया। आज की यह कहानी है हमारी जमुई गांव की बेटी मुरली दीक्षित की। जब वह जॉवलिन थ्रो की प्रैक्टिस कर रही थी जब वह जॉवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करने घर से बाहर जाया करती थी, तब लोग कहते थे कि घर वालों ने छूट दे दी है और तरह तरह के ताने दे देते थे। और मुरली जी ने इन सब की बातों को अनसुना कर धीरे धीरे अपनी मेहनत से अपनी कामयाबी की तरफ कदम रखे और उनको सफलता मिलना शुरू हो गई। जी ने साल 2015 में जॉवलिन थ्रो खेलना शुरू किया था। इसकी प्रैक्टिस के लिए वो घर से बाहर KKM कॉलेज जमुई जाया करती थी। जब जब वह घर से बाहर थी तब गांव वाले कहते थे कि घर वालों ने छूट दे दी है और अकेली लड़की घर से बाहर जा रही है। ये सुनकर के घर वालों ने खेल छुड़वाकर पढ़ाई पर ध्यान दिलवाना चाहा, मगर मुरली जी ने इन सबकी बातों को अनसुना कर सबकी बातें सुनकर के वो थोड़ा परेशान तो हुई, मगर एक दो कामयाबी मिलने के बाद इनके पिताजी इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मुरली जी ने बातचीत के दौरान बताया कि उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत ही मुश्किलों से परिवार का गुजारा होता था। तब मैं जब वो घर में लाठी होती थी और जो लाठी पिताजी खेत पर लेकर के जाया करते थे उसी को फेंक करके प्रैक्टिस किया करती थी। समय लड़कियां घर से बाहर निकलना ऐतराज समझा करती थी। उस समय मैं बरुअंडा गांव में जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस कर रही थी। गरीबी की वजह से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल खेलने के लिए जैवलिन खरीदना मेरे सपने जैसा था। बाद में कुछ सहायता मिलने से 10,000 रुपये का जैवलिन खरीदा। साल 2016 में पहली बार देवघर में हुई ईस्ट वेस्ट जॉन अंडर साल 2016 में प्रयोग में भाग लिया। ईस्ट जॉन अंडर में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मेहनत जारी रखी। आज की तारीख में यानी कि आज की डेट में नेशनल लेवल पर 20 मेडल पर कब्जा कर चुके हैं। 2020 में पटियाला में प्रैक्टिस के दौरान चोट लग गई थी, फिर भी प्रैक्टिस अपनी जारी रखी और हिम्मत नहीं हारी। 2022 में रायपुर में 49.95 का थ्रो किया। गुवाहाटी में साल 2016 में गोल्ड मेडल जीता और साल 2016 और 2017 में एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता। नेशनल जूनियर एथलेटिक्स में साल 2019 को पहला स्थान हासिल करने के बाद साल 2019 में पहला स्थान हासिल करने के बाद उनके सपनों को कामयाबी मिलना शुरू हो गई और उनके सपना सच होना शुरू हो गए। इसी के साथ उनके सपनों को उड़ान भी मिली। खेलो इंडिया यूथ में इनको सिल्वर मेडल जीता। अभी भी मुरली जी भारतीय सिलीगुड़ी में ट्रेनिंग
ले रही हैं। दोस्तों, आज की इनकी जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो हर आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों, अब मिलते हैं एक ऐसी ही नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इस कहानी से हमें आप लोगों को कोई ठेस पहुंचाना नहीं था, कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था और शिक्षित करना था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय।